रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी पब्लिशर। दिस इज़ द समर पैक ऑफ क्लास 4। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ साइंस फ्रॉम पेज नंबर 66 टू 67। द टॉपिक इज मैटर एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। यस, मैटर एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। मैटर क्या होता है? किसी भी चीज़ का वेट, और इसके अलावा कोई भी चीज़ जो वेट रखती है और स्पेस लेती है उसे मैटर कहते हैं। लाइक देयर इज़ अ क्वेश्चन नंबर 1, लिफ्ट अ ब्रिक एंड योर साइंस बुक वन बाय वन, विच ऑब्जेक्ट हैज़ ग्रेटर मास। ओके, द आंसर इज़ दैट, देखिए उन्होंने कहा है कि ब्रिक लें और साइंस की बुक लें अपने हैंड में, तो किसका वेट ज़्यादा है और क्यों है, ठीक है। देन यू विल राइट हियर, ब्रिक हैज़ ग्रेटर मास बिकॉज, आप ये घर में भी करके देखिएगा, एक हैंड में आप ब्रिक उठाइएगा और एक हैंड में आप बुक उठाइएगा, आप देखिएगा कि ब्रिक जो ईंट होती है, ईंट का कितना वेट होता है और जो बुक है उसका कितना वेट होता है, लाइक दोनों में से किसका हैवी वेट होता है। तो ब्रिक हैज़ अ ग्रेटर मास बिकॉज इट इज़ हैवी एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड। आपके लिए ब्रिक पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, आप बुक को ईजिली पकड़ सकते हैं लेकिन ब्रिक को पकड़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो वेटेबल है, हैवी होती है। द क्वेश्चन नंबर 2 इज़, वाई डिड द प्लास्टिक स्पून एंड द स्टिक फ्लोट इन द वाटर वाइल द मेटल स्पून एंड द कॉनिक सिंक। अब वो कह रहे हैं कि प्लास्टिक स्पून और स्टिक हो कोई भी वुड की, तो वो फ्लोट क्यों करती है, वाटर के ऊपर ऊपर क्यों फ्लोटिंग करती है, तैरती है, वाइल द जो मेटल स्पून होता है और जो कॉनिक होता है वो सिंक हो जाता है। कॉनिक लाइक कॉइन टाइप कह दीजिए आप, तो वो सिंक क्यों हो जाता है, वो डूब क्यों जाता है, ठीक है, क्योंकि वो हैवी होता है इसीलिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि स्टिक एंड प्लास्टिक, द आंसर इज़ स्टिक एंड प्लास्टिक स्पून लेस डेंस देन द वाटर सो दे फ्लोट ऑन द वाटर। द मेटल स्पून एंड कॉनिक आर मोर डेंस देन द वाटर सो दे विल सिंक। वाटर की डेंसिटी से जो चीज़ है लाइट होती है, हल्की होती है, वो जो है वाटर के ऊपर फ्लोटिंग करती है, और जो वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा डेंसिटी रखती है चीज़ लाइक मेटल स्पून है या कॉनिक है, तो वो वाटर की डेंसिटी, वो वाटर के अंदर सिंक हो जाता है, डूब जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़, वाई डज एन इलेक्ट्रीशियन वेयर रबर ग्लव्स ड्यूरिंग वर्किंग विथ इलेक्ट्रिसिटी। एज रबर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो इट डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। द रबर ग्लव्स विल सेव द इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक शॉक ड्यूरिंग वर्किंग। रबर ग्लव्स जो है वो कंडक्टर होता है, रबर ग्लव जो है वो बैड कंडक्टर होता है, लाइक इंसुलेटर होता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू नहीं करती, और अगर कोई ऐसा चांस हो कि करंट लगे या कोई ऐसी चीज़ हो तो रबर ग्लव्स की वजह से वो करंट लगने से बच जाते हैं। द नेक्स्ट इज एक्टिविटी, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्टिविटी। अच्छा जी, यहाँ पर एक्टिविटी है प्रेस द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्व द चेंज इन शेप एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पर आएगी गैस, शेप है जी नॉट फिक्स्ड शेप, वॉल्यूम है आपके पास नॉट फिक्स्ड, एंड स्टेट आपके पास आएगी गैस। ट्रांसफ़र द ऑब्जेक्ट इनटू डिफरेंट शेप कंटेनर्स एंड ऑब्जर्व द चेंज इन शेप एंड वॉल्यूम। आप ट्रांसफ़र करें तो वही शेप ले लेगा, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे लिक्विड नॉट फिक्स्ड, वॉल्यूम फिक्स्ड, लिक्विड शेप, ठीक है, लिक्विड स्टेट आपने यहाँ पर राइट कर देना है। एक्टिविटी है जी, टेक अ कैंडल एंड आस्क सम एल्डर्स टू लाइट इट। आपने किसी बड़े को कहना है कि इसे लाइट अप करें। आप ऑब्जर्व करें और डिस्कस करें कि क्या हो रहा है कैंडल के साथ। सम वैक्स मेल्ट्स इनटू द लिक्विड स्टेट ऑन गेटिंग हीट फ्रॉम बर्निंग विक। अब वो बर्निंग से क्या हो रही है, उसकी हीट वो मेल्ट हो रही है, ठीक है, और लिक्विड में चेंज हो जाती है। व्हेन द मोल्टन वैक्स मूव्स इन कोल्ड रीजन, जब वो ठंडी होती है, लाइक जब वो मेल्ट हो रही होती है उस वक्त वो गर्म होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। जब ये ठंडी होती है, थोड़ी देर बाद ही ठंडी हो जाती है, इट कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाइज बैक इनटू द ओरिजिनल सॉलिड स्टेट। ये कूल डाउन हो जाती है और दोबारा से कैंडल की फॉर्म में आ जाती है, लाइक जैसे कैंडल का वो बना हुआ है एक वो हार्ड शेप बनी हुई है, वैसे ही वो कैंडल की तरह हार्ड हो जाती है दोबारा से। सो द वैक्स मेल्ट ड्यू टू द हीट ऑफ बर्निंग विक एंड देन सॉलिडिफाइड अगेन व्हेन इट्स कूल। अब कैंडल वो ये बताना चाह रहे हैं एक्टिविटी में कि आप घर में जब ये एक्सपेरिमेंट करें, अपनी मदर को लें साथ, ठीक है, या किसी बड़े को साथ लें, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करें और उन्हें भी बताएं कि कैंडल जो है वो एक फ़िज़िकल चेंज लाती है, जिससे कैंडल जो है वो अगर मेल्ट होती है, बर्निंग करती है, तो दोबारा से वो कैंडल ही बन जाती है, ठीक है, मेल्ट होके वो दोबारा से सॉलिड में चेंज हो जाती है।
My dear students, your work is complete now. Hope you will understand. Allah Hafiz.